नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IT फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि एक बार मौका हाथ से निकलने के बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे के अंतर्गत आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। एक बार फिर से जो है रेलवे आप सभी को बहुत ही बड़ा अवसर जो है बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। और आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे के अंतर्गत जो है जल्द ही लगभग 2.5 लाख पदों पर वैकेंसीज आने वाली है। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, टिकट कलेक्टर है, इसके अलावा JNIN बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिनके ऊपर लगभग 2.5 लाख पदों पर ये वैकेंसीज आने वाली है। तो गाइस, आप लोग जो है अभी से इन सभी वैकेंसीज को माइंड में रखते हुए तैयारी पे जुट जाएं, पूरी ईमानदारी लगन और मेहनत के साथ जो है आप लोग तैयारी करें, ताकि जैसे ही वैकेंसीज आए आप लोगों को इनमें सक्सेस मिल सके। और गाइस, कहते भी हैं, देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये सोच रहे हैं, जिनको ये इंतजार है कि यार हम तो जो है वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। तो उन सभी कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूंगा गाइस कि ऐसा मत सोचो आप लोग कि समय आने पर सफलता मिलेगी। ऐसे मत सोचो गाइस कि सफलता आने पे समय आने पे सफलता मिलेगी। माइंड में ये रखो कि समय का सदुपयोग यदि आप लोग करोगे तो आप लोगों को 100% कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाएगी। तो अभी से जो है अपने समय का सदुपयोग करना स्टार्ट कर दें। सही समय पे स्टार्ट की गई तैयारी से हमें सफलता मिलने के चांसेस जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अपने बढ़ जाते हैं। तो गाइस, अभी सही समय है, बिल्कुल जो है आप लोग वक्त को बिना बर्बाद किए जो है आपके रेलवे के अंतर्गत जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को जो है तैयार करना स्टार्ट करें, ताकि जैसे ही वैकेंसीज आए उन सभी वैकेंसीज में आप लोग जो है एक नया जो है इतिहास रच सको, आप लोग भी जो है सफलता का परचम लहरा सको। गाइस, कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में ये है कि यार पिछले काफी सालों से जो है ये चल रहा है वैकेंसी आएगी। तो वो क्या है, ऐसा थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट बना के जो है कहीं ना कहीं आप अपनी जो तैयारी है उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि देखो यार, वैकेंसी निकालना अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है केवल और केवल तैयारी करना। तो आप लोग जो है तैयारी के ऊपर फोकस करें। वैकेंसीज ऑलरेडी आप लोग सभी को पता है, हर 5 साल के अंदर जो है वैकेंसीज आती रहती है, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है इन सभी वैकेंसीज की तैयारी करते रहें, ये तो 100% है। देखो यार, कई वैकेंसीज ऐसे होती है जिनके लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है, बट वैकेंसी 100% आती है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस गलतफहमी में ना रहें, ऐसा नेगेटिव माइंडसेट ना रखें कि वैकेंसी पता नहीं कब आएगी। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप लोग वक्त को बर्बाद करते हो, जो समय आपको तैयारी पे लगाना चाहिए वो आप लोग तैयारी पे नहीं लगा पाते, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि जैसे ही वैकेंसी आएगी आप अगर तैयारी करोगे, आप सोच के देखो यार, अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे तो फिर आप कर क्या रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं फ्री बैठे हो, तो फ्री बैठे रहने में कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है हमें। तो कोशिश करें कि जो आने वाली वैकेंसीज है उनके अकॉर्डिंग अच्छे से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें, बढ़िया से तैयारी करें, पूरी लगन मेहनत ईमानदारी के साथ जो है जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयार करें, ताकि जैसे ही वैकेंसीज आए उन सभी का बेनिफिट आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों, आई होप कि जल्दी वैकेंसीज आएगी और आप सभी को जो है इन सभी वैकेंसीज में कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। इन सभी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।